धार्मिक नगरी रतनपुर में अपने व्यावसायिक हितों को नजरअंदाज करते हुए थोक एवं चिल्हर मछली व्यापारियों ने पूरे नवरात्र तक कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया है। धार्मिक नगरी रतनपुर जन आस्था का केंद्र है। यहाँ शक्ति पीठ होने से देश भर से श्रद्धालु वर्ष भर दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर नवरात्र पर तो यहाँ आसपास से लाखों लोग आस्था का जोत लेकर रतनपुर पहुँचते हैं। रतनपुर की पहचान धार्मिक और पौराणिक नगरी के रूप में है और रतनपुर की सबसे बड़ी पहचान है माँ महामाया का मंदिर। मगर रतनपुर तालाबों की भी नगरी है। यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों तालाब हैं, साथ ही पास में कूटाघाट जलाशय भी है, इसलिए रतनपुर मछली पालन और मछली व्यवसाय का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ हर दिन कई टन मछली का व्यापार होता है। आसपास के सभी शहरों और कस्बों में यहीं से मछली की सप्लाई होती है, लेकिन जब नवरात्र के समय यहाँ सड़क पर मछली का कारोबार किया जाता है तो इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। आपको बता दें कि रतनपुर में मेला ग्राउंड के आसपास एवं सड़क पर भी मछली का व्यवसाय किया जाता है। नवरात्र पर तो यहाँ संचालित होने वाले सभी होटल और ढाबे में भी केवल शाकाहारी खाना ही परोसा जाता है, लेकिन इसी दौरान बाजार में चिकन मछली मटन बिकने से लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंच रही थी। लंबे समय से यह मांग भी उठ रही थी कि नवरात्र पर भी शराब और मांसाहार का व्यवसाय बंद कर दिया जाए। लोगों का तर्क यह है कि जब एक मानव गांधी की जयंती पर शराब और मांस का विक्रय बंद हो सकता है तो फिर हिंदुओं की सबसे बड़ी आराध्या देवी के उपासना अवसर पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस विषय में सरकार तो अनिर्णय की स्थिति में रही, लेकिन रतनपुर के मछुआ व्यापारी संघ ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रविवार से नवरात्र समाप्त होने तक यानी आगामी चार दिनों तक मछली का व्यवसाय पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। इस रविवार से रतनपुर में मछली का थोक और चिल्लर कारोबार बंद कर दिया गया। इससे रतनपुर के मछली व्यापारियों को भले ही लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जन भावना का ख्याल रखते हुए उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। रतनपुर धार्मिक नगरी है, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम सभी मछुआरा संघ के जितने भी व्यापारी, थोक व्यापारी, चिल्हर व्यापारी जो भी हैं, हम महामाया नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के असुविधा मत हो करके हम लोग महाबंद चार दिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मछुआ संघ के अध्यक्ष अशोक कहरा ने बताया कि इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है और आगामी नवरात्रि में पूरे 9 दिन मछली का व्यापार बंद रखा जाएगा। मछुआ व्यापारी संघ के इस फैसले का रतनपुर वासियों ने स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि मछुआ व्यापारी संघ का यह निर्णय स्वागत योग्य है और इससे अच्छा संदेश जा रहा है। मछुआ व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक कहरा के इस निर्णय का पूरे रतनपुर में स्वागत किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही कि इनसे प्रेरित होकर अन्य शहरों में भी नवरात्र पर इस तरह का निर्णय लिया जाएगा। जिस वक्त अधिकांश व्यापारियों का जोर केवल मुनाफा पर होता है, उस दौरान पूरे 9 दिन मछली का कारोबार बंद रखना साहसिक निर्णय है और इसके लिए सभी को सहमत कर पाना भी आसान नहीं था, लेकिन मछुआ संघ ने इस कठिन चुनौती को पूरा कर दिखाया। कारोबारी हित को परे रखते हुए जन भावना को यहाँ तरजीह दी गयी है। नगरी है, यहाँ पे माता महामाया देवी विराजमान है, यहाँ ज्योति कलश पूरे विश्व विख्यात है और यहाँ रतनपुर में विश्व से दूर दूर से दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जितने मछुआरा व्यक्ति हैं, मछुआरा जो मछली जो धंधा करते हैं, उन्होंने सब एक निर्णय लिया कि हम नवरात्रि को देखते हुए हम मछली के हम व्यापार नवरात्रि तक के हम लोग बंद रखेंगे और हमें सभी मछली जितने व्यापारी बंधु हैं ये बहुत ही अच्छे उनके पहल हैं और माता रानी उनको आशीर्वाद बना रखे और शुभकामनाएं दें। लोगों की मांग ये भी है कि इसी तरह का फैसला मटन और चिकन बेचने वालों को भी करना चाहिए। देश के कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मांस मदिरा का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर राज्य सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले पा रही है तो इसके कारोबारियों को ही आगे बढ़कर ऐसी पहल करनी होगी ताकि वे जन भावना का ख्याल रख सकें, जिससे उनका व्यापार वर्ष के अन्य दिनों में सुचारू रूप से संचालित हो सके। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।